गुजरात की शादियां इन जामनगरी कचौड़ियों के बिना अधूरी है, और इसी की बल्क मेकिंग दिखाने हम लोग आ गए हैं जामनगरी। जैन विजय फरसान, किसी से भी पूछोगे कहाँ की मशहूर है, सब यही का नाम लेंगे। तो सोचा कि आप लोगों को इसी की बल्क मेकिंग दिखाते, तो चलिए चलते हैं। अब हमें देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले जो मैदा की जो आउटर लेयर होती है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो रही है। ये क्या कर रहे हैं नमक, तो ये प्रोसेस बनेगा, इसके अंदर पानी डलेगा, सारी क्वांटिटी मेजर करके डाली जाती है, और सब ने स्टाफ ने मास्क हैंड ग्लव्स पूरे ध्यान रखा है जितनी हाइजीन मेंटेन कर सके। अभी कितना टाइम लग जाएगा टोटल? 5 मिनट। और अब भाई सेकंड प्रोसेस की बारी है हमारी, और भाई ये जो सारा डो है ना इस मशीन के अंदर डाला जाएगा, जिसके अंदर भाई हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे पेड़े बन के निकलेंगे। ये ऊपर डालते हैं भाई सारा का सारा डो, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, और भाई ये ऑटोमेटिकली ना अकॉर्डिंग टू साइज इन्होंने सेट कर रखा है, उसके बाद ये आता है। और भाई मेरे को अब पता चला कि इस कचौड़ी का जो साइज होता है ना वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो साइज तो एक मिलना ही वाला है। थर्ड प्रोसेस हमारा ये शुरू हो गया, जिसमें बनेगा हमारा यम्मी टेस्टी मसाला। जो कचौड़ी खाते हैं ना भाजी के डब्बे में आती है, और वो खट्टी मीठी उसके अंदर मसाला था, वो वाली कचौड़ी यहाँ पे बन रही है। और इस मसाले के अंदर ना गाठिया को पीस के डाला गया है ऊपर से, साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट मसाले। बेसिकली कचौड़ियों की जान वो ये है मसाला, और ये मसाला जा रहा है अब नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं ना हमेशा बचपन में सोचती थी कि मेरी वाली कचौड़ी में मसाला ज्यादा होना चाहिए, निखिल वाली में बेशक कम हो जाए, मगर ये भाई जैन विजय फरसान की हम आज आउटलेट पे खड़े हैं, और भैया ने ना गलत साबित कर दिया है। भैया कह रहे हैं कि भाई कचौड़ी में मसाला मिलेगा बराबर, सबको बराबर मिलेगा। और किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऊपर से पूरा मसाला जो भी प्रिपेयर होता है वो जा रहा है, इसको अच्छे से ऊपर से प्रेस किया जा रहा है, नीचे की तरफ से ना ये पैनल देख रहे हो रोलर, इसके अंदर ना ये बॉल्स में कन्वर्ट हो रहा है मसाला, और नीचे ये बॉल्स प्रिपेयर हो गए। और अब बारी है भाई नेक्स्ट प्रोसेस की, जिसके अंदर ना भाई जो हमारा डो कटा था वो छोटा छोटा, और जो मसाले की पिठिया बनी थी ना उसको करा जाएगा मिक्स। और भाई अपना लेडीज का यहाँ पे ग्रुप बैठा पड़ा है, और भाई उसको करा जा रहा है मिक्स, बातें चल रही है साथ साथ काम चल रहा है। और भाई ये जितनी वुमन एम्पावरमेंट मैंने भाई यहाँ पे देखी है ना गुजरात के अंदर, मैंने किसी और शहर में देखी, और दूसरी मैंने देखी थी बैंकॉक में प्रियंका जी की वीडियोस में, जहाँ पे लेडीज ही काम कर रही थी स्ट्रीट पे भी। हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ की लेडीज घर का भी संभालती है, यहाँ पे भी खाने की फैक्ट्रीज में हेल्प कराती है। भाई वैसे ना हिंदुस्तानी जो वुमेन्स है हमारी भाई वो है बहुत पावरफुल, करती रहती है सारे काम, काफी ज्यादा ही पावरफुल है। भाई ये देख रहे सारे डब्बे पैक पड़े हैं जाने के लिए लोगों पे, और भाई ये यहाँ पे कचौड़ी है, तरीके से यहाँ पे ठंडी हो रही है। और अब हमारा है जी लास्ट प्रोसेस, अरे बाप रे लास्ट नहीं है प्रियंका जी, लास्ट तो तब हो गई जो हमारे पेट में जाएगा। अरे यार निखिल भी ना, तो गाइस ये आप देख सकते हो कढ़ाई है, और ये ऑटोमेटिक कढ़ाई है भाई, 16 किलो एक साथ इसके अंदर तलते हैं, और भाई थोड़ा 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 बैच करके डाले जा रहे हैं। और भाई ऑटोमेटिक का ये सीन है, ऑटोमेटिक का मतलब है कि भाई इन्होंने टेम्परेचर सेट कर रखा है, अगर वो टेम्परेचर कम हो गया ना तो गैस जल के उस टेम्परेचर को दोबारा मेंटेन करेगा, और अगर ज्यादा हो गया तो गैस बंद होकर उस टेम्परेचर को वापस डिक्रीज करेगा। ये देखिए कैसे तल रही है, और जैसे ही तल जाएंगे ना ये ट्रांसफर कर दी जाएंगे इतने बड़े बड़े रात में। भैया आप ये बताएंगे मतलब 40 साल पुरानी शॉप है, तो वो मतलब थोड़ा देख के समझ आ रहा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक मशीन आपने कब लगाई? ऑटोमेटिक मशीन 10 साल से, पिछले 10 सालों से ऑटोमेटिक मशीन। जैसे जैसे भाई हमारे देश के अंदर 3G जनरेशन आई, 4G जनरेशन है, भैया ने भी अपने काम के अंदर 4G 5G 6G ऐसे लाते रहोगे। पहले ये छोटे से काम चालू किया। अरे क्या बात है, छोटा है ये कढ़ाई भैया ने छोड़ी नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत खास बात होती है, जिस चीज से स्टार्ट करते हैं ना उस चीज को हमेशा अपने साथ रखते हैं, जिसको पुराना है क्यों छोड़ेंगे। ऑटोमेटिक मशीन आ गया है, फिर भी हमारा वर्कर्स को ज्यादा करते हैं, क्योंकि मशीन आया तो वर्कर्स तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि मशीन आ गया तो वर्कर्स को कम करे, ज्यादा करते हैं हम। क्या हुआ ये तो भाई देखकर मजा आ गया, ये बनती कैसे, मेरी वाली तो स्पेशल ड्राई फ्रूट वाली है, और मेरी है भाई सिंपल मसाले वाली। सबसे पहले भाई साइज मैटर करो, तो मैं बता रहा था ना आपको एक साइज बराबर, बता नहीं पाओगे कौन सी है, बताओ कौन सी है। ये खाते हैं भाई। तो गाइस आपकी भाजी के डब्बे में ये खस्ता का चौड़िया तो पक्का आई होगी, तो सर इसके अंदर जो मसाला होता है ना ये देखो, ये मेरे पास ड्राई फ्रूट वाला आया है, लेट्स हैव अ बाइट। मजा आ गया बनते हुए देखने में। ये ना हम अक्सर सच में ये बात चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ जब शादी के डब्बे आते हैं ना उसमें ये वाली खस्ता का चौड़िया मिलती है, और सबसे ज्यादा मैं खाता हूँ, मैं घर में लड़ाइयाँ होती है कि मैं खाऊंगी ये खाएगा मैं खाऊंगी ये खाएगा, हम लोग अपनी कचौड़े एंजॉय करते हैं। अगर कभी भी आप लोगों को जामनगर में चक्कर लग रहा है और इस दुकान पे आना है, तो सुबह 7 बजे से दुकान खुल जाती है, शाम को 9 बजे तक ये आउटलेट रहता है। गूगल मैप पे लोकेशन आपको मिल जाएगी,
सर्च करना और पहुंच जाना कचौड़े का मजा लेने के लिए। तो आंटी हैं और अंकल से बात कर रही थी कि ये उनके यहाँ नहीं मिलता, कैसा लगता है? ये राजस्थान में चीज नहीं मिलती है, मिलती है बट ये टेस्ट नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। जैन विजय तो जैन विजय। अरे क्या बात है, थैंक यू। स्वाद बोलता है और वो चीज यहाँ पे हो गई है।